अरे भैया का हुआ? निकालो इसको आज बाहर, नहीं तो अभी लहंगा उठा के हम पहन लेंगे, बता दे। दोस्तों हमारे देश में लोग मूवीज या वेब सीरीज में बोल्ड सीन देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बीच बीच में मूवीज में ऐसा होना लोगों को अधिक पसंद आता है। आज हम आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिनमें हॉट सीन को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। तो अगर आपको भी इसी तरह की मूवीज या वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भाई कोई टिप्स बताना, इसे आज अच्छे से इंप्रेस कर दूंगा। तू तो कह रहा था चूतिया सी है वो। अरे जैसी भी है वर्जिन है। अगर वो वर्जिन ना हुई तो? वो है। नंबर वन, कविता भाभी पार्ट टू। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कविता भाभी की पार्ट वन व पार्ट टू बहुत ज्यादा हिट रही थी, ठीक ऐसे ही आपके सामने फाइनली कविता भाभी की सीजन 3 रिलीज कर दी गई है। लेकिन इस बार कविता भाभी की सीजन 3 में थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी ऐड की गई है और ये वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि हॉरर और रोमांस वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी फिर से कविता भाभी के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई गई है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली उल्लू पर देख सकते हैं। आखिर आप पहुंच ही गए। और कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी इस घर के अंदर? ना जाने कब मंगला का भूत आ जाए। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंगला नाम की एक औरत थी और वो यहाँ पर भटकती फिरती है। देवर जी आप सोई नहीं अभी? नंबर टू पर है पति पत्नी और पंगे। इस वेब सीरीज को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है जो कि कॉमेडी और ड्रामा पर आधारित है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपना जेंडर बदलकर लड़का बन जाती है, इसके बाद उसके लाइफ में क्या क्या पंगे होते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। शिवानी भटनागर आज से 8 महीने पहले तक लड़का दिल में। शिवानी है तो पूरी तरह से फीमेल ना, जब तक तुम्हें पता नहीं चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे घर की जगह ईंटों से बस बन गई दीवारें। नंबर 3 पर है द लास्ट हावर। वेब सीरीज बेस्ट है क्राइम थ्रिलर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक बनाई गई है। सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे समुदाय से जो लोगों के मरने के बाद मरने का कारण खोज के निकाल लेती है, यानी कि वो समुदाय उनके मरने के बाद उनके आत्मा से बात करती है और किसी भी तरह से उनके मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। लेकिन पुलिस इस समुदाय को एक अलग ही काम में लगाना चाहती है और पुलिस उनका इस्तेमाल किस तरह से करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 7.2 की। तुम आत्माओं को देख सकते हो? हाँ। तो क्या तुम मेरी माँ से भी बात कर सकते हो? पहले सनराइज पॉइंट, फिर पाइन फॉरेस्ट और फिर हॉट स्प्रिंग। वी यूज्ड टू वॉक वेरी फ्रीली। ये टाउन सेफ नहीं रहा। इसकी आत्मा से पूछो कि इसे किसने मारा। तुम मुझे वहां ले चलो जहां से तुम्हारी आखिरी घड़ी शुरू हुई थी, अन्य से एक घंटे पहले।